बाबा विश्वनाथ के धाम में बनवासी और गिरिवासी समाज द्वारा धर्म संस्कृति परंपरा के संरक्षण व संवर्धन हेतु 111 प्रतिनिधि 13 जिले 45 विकास खंडों और 1828 गांवों के 18 जनजातीय समूह के लोगों ने मंदिर में शीश नवाया। इस अवसर पर बाबा के धाम में आदिवासियों का भव्य स्वागत किया गया। मंदिर चौक गेट पर 150 महिलाओं एवं पुरुषों ने पुष्प वर्षा की। समाज के लोग अपने परंपरा एवं विधि का निर्वाह करते हुए वाद्य यंत्रों की ध्वनि से मंदिर में प्रवेश किए। महिलाओं के माथे पर कलश और हाथों में तख्तियां थी। हर तरफ बाबा भोलेनाथ का जयकारा गूंज रहा था। मंदिर के चौक क्षेत्र में ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों उच्चारण के बीच भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान जनजातीय सुरक्षा मंच के आनंद ने कहा कि भारत की संस्कृति राजधानी काशी में तीनों लोकों के स्वामी आदि विश्वेश्वर देवाधिदेव महादेव काशी विश्वनाथ। उन्होंने कहा, संपूर्ण जगत में सनातन धर्म संस्कृति परंपरा के संरक्षण व संवर्धन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि लोगों ने अपने रीति रिवाजों और परंपरा को बदलने, लेकिन सनातन काल से आदिवासी इस रीति रिवाज और परंपरा का पालन करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के संस्कृति पर खतरा उत्पन्न हुआ है, इसलिए हम लोग बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना किए और इस संस्कृति राजधानी में मंथन भी किए। धाम के चौक क्षेत्र में जनजातीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां की गई। काशी के संतों एवं उत्तर प्रदेश आदिवासी समाज द्वारा चर्चा की गई एवं जनजाति गौरव का विमोचन किया कि बाबा हमारी संस्कृति का संरक्षण करें, हमारी पहचान को समाज में स्थापित करें और प्रधानमंत्री जी का ये क्षेत्र है, ये संदेश बाबा धाम से जाए कि जनजाति समाज सनातन समाज का अभिन्न अंग है, समाज सनातन परंपरा का अभिन्न अंग है, उसका संरक्षण संवर्धन हो। परंपरा से पूजा पाठ करेगा आदिवासी समाज, तमाम कलश आए हैं, कैसे पूजा पाठ का हमारा स्वाभाविक तरीका, जो हमारे पास पत्र पुष्प है, हम तो कुछ लेके नहीं आए हैं, हम तो आस्था वाले लोग हैं, मंदिर प्रशासन हमको उपलब्ध करा रहा है, जो उपलब्ध कराएगा उसी से हम पूजा पाठ करेंगे। कितने लोग शामिल हो रहे हैं, कितने जिलों? इसमें हमारे 1200 परंपरागत पुजारी बेगा और जनजाति समाज 18 जनजातियों के प्रमुख लोग हैं। कार्यक्रम के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि जो जनजाति समाज का व्यक्ति अपने रीति परंपरा पूजा और रूढ़ी को छोड़ करके विधर्मी हो गया और वो लोग जनजाति समाज के सरकार द्वारा प्रदत्त जो संवैधानिक आरक्षण है इसका गलत तरीके से जो हड़प रहे हैं, इसके लिए बाबा के दरबार में हम सभी जनजाति समाज के लोग ये मांग कर रहे हैं कि उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जो है जनजाति सूची से डिलीट करना चाहिए। ऐसी हमारी मांग है, ऐसी बाबा के चरणों में हम लोगों का अपना मांग है।